बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप फिट होंगे, मज़े में होंगे और खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मैं जा रहा हूँ आज एक मियांवाली की बहुत सी ब्यूटीफुल जगह पे, उसे एक्सप्लोर करने। तो आप वहाँ जाके सीन दिखाते हैं, वहाँ पहाड़ वगैरह हैं और ज्यारत है, लोग वहाँ मनते मुरादे मानते हैं। तो आपको जाके वहाँ की सीन दिखाते हैं। मैं रस्ते में अब जा रहा हूँ, कोई दोस्त साथ हैं तो वहाँ हम कुछ खाना पीना भी करेंगे, वो सीन्स भी आपको दिखाएँ। हम ज़्यारत पे पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आपको यहाँ बैक कैमरे से मैं दिखाऊंगा तो नज़र आएगी, वैसे आपको मेरे पीछे पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। ये हमारे मियांवाली की सबसे खूबसूरत जगह है मेरे लिहाज से। ऐसे भी अच्छी खूबसूरत जगह हैं लेकिन जो हमारे नज़दीक है वो ये खूबसूरत जगह है। तो सबसे पहले जाके सलाम करेंगे ज़्यारत का, फिर खाने पीने की चीज़ें सेट करेंगे, फिर आपको साथ साथ सीन दिखाते जाएँगे। देखें दरबार पहाड़ के ऊपर है, यहाँ इन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, इन सीढ़ियों की वजह से हम ऊपर जाएंगे। मेरे साथ करामुल्ला भाई हैं और कुछ दोस्त पीछे आ रहे हैं। ये भाई 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ होंगी, आधी हम चढ़ चुके हैं लेकिन सांस पे सांस फूल रही है भाई। बहुत ही ऊँचा दरबार है ये खासे बाबे के नाम से मशहूर है। ये छोटी सी मस्जिद भी बनाई गई है साथ ही, जो कि बहुत ही प्यारी है, और इसके इर्द गिर्द सब पहाड़ ही पहाड़ है। जो सीन मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ ना, मेरे ख्याल में आपको पसंद आएगा, ये मेरा ख्याल है। देख लें आपका क्या जाता है भाई, देख लो। ये चश्मा भी बह रहा है यहाँ से, मैं सलाम करता हूँ दरबार पे तो आपको मिलते हैं। ये हैं जी खासा बाबा की कब्र मुबारक, रोज़ा मुबारक भी हम कह सकते हैं इनको। तो सात वाले का नाम तो हमें नहीं पता, तो ये हैं खासा बाबा की कब्र मुबारक। ये देखें पहले वक्तों में लोग कितने लंबे हुआ करते थे। तो इनका नाम है सजा सैयद खासा बाबा बगदादी, ये बगदाद के थे रहमतुल्लाह। तो खूबसूरत जो बात है वो ये है कि पहाड़ के ऊपर ये दरबार मौजूद है और यहाँ बिजली का निज़ाम भी है, माशाल्लाह अच्छी बात है। कि शहर है जिसका नाम बलाखैल है, और आप ग्रीनरी चेक करें, माशाल्लाह ब्यूटी ब्यूटी। हमें नहरान का गान और मरी जा रही, क्या ज़रूरत है भाई, अल्लाह ताला ने हमें ऐसा वसाइल दिए हुए हैं माशाल्लाह। अब हम नीचे उतर रहे हैं क्योंकि हमारे जो दोस्त हमारे साथ आ रहे थे
वो रास्ता भूल चुके हैं, उनको रास्ता बताते हैं। हम नीचे जा रहे हैं, व्यूज़ आप चेक करें, व्यू सिर्फ यहाँ आराम गायें वगैरह भी बनाई गई हैं, अगर दूर से मेहमान आए तो वो रेस्ट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। हमारे साथ शानी भाई हैं जो कि मेहनती हैं, इसे वैसे मैं लोफर लोफर कहता हूँ। ये देखें काम कर रहे हैं, प्याज बना रहे हैं ये, और कढ़ाई भी शायद शानी भाई बनाए। हाँ दी पे हम अपना खाना बनाएंगे। अभी हमने लकड़ियाँ ढूंढनी हैं आग के लिए, कढ़ाई वगैरह हमारे पास पड़ी है, ये सारा जो सौदा वगैरह है खाने के लिए हम लेके आए हैं साथ। शानी भाई लगे हुए मेहनत पे, मेहनती शख्स कराम अल्लाह शाह चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। ये पीछे पहाड़ी पहाड़ है, ये आग हमने जला चुके हैं हम, अब इस पे रखेंगे कढ़ाया। कढ़ाई नहीं है ये, कढ़ाया है। शानी कितनी बना दी रोटी पके दी, ये लला तो त्रंगुड़ तक आ दी कढ़ाई। हमारे कोक साहब ने कोई कढ़ाई करांग दे दिया, ये हमने घर पीछे फ़ोन किया था तो उन्होंने हमें चीज़ें बताई हैं तो हमने तब बनाई हैं, क्योंकि ये शानी वैसे ही बातें करता है, इसे बनाना कुछ नहीं आता। ये मेरे पीछे आप व्यू देख सकते हैं, धूप बहुत ज़्यादा ही तेज़ है, सामने से पड़ रही है, तो व्यूज़ आप देख रहे हैं, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा हमारा मियाँ वाली की खूबसूरत सी जगह। हमने खाना खा लिया है तो अब इंशाल्लाह घर की तरफ रुख करेंगे। खाना बहुत ही अच्छा था, क्योंकि बातें सारी बताई नहीं जाती हैं, राज वाली बात है खाना अच्छा था कि नहीं था, क्योंकि सब बातें बताई नहीं जाती। तो दरबार पे दोबारा सलाम करेंगे और सलाम करने के बाद घर की तरफ रुख करेंगे। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं इसमें सारा ही सलीका है, और माशाल्लाह मियाँ वाली में जितने पहाड़ है वो मादी नियाज से भरे हुए हैं। सलीका शीशे बनाने के लिए सीमेंट वगैरह में इस्तेमाल होता है। अब हम जा रहे हैं घर, तो आपने दानी भाई को दुआ में याद रखना है और हमें दें इजाज़त, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा है। तो आप को मिलेंगे न्यू व्लॉग में, खुदा हाफिज़।